आज चंडीगढ़ में हरियाणा के कांग्रेस नेता और भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए उसे घोटालों की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 10 साल में घोटाले ही घोटाले किए हैं। माइनिंग का घोटाला इतना बड़ा है कि यमुना का रास्ता ही बदल गया। ये सरकार घोषणाएं तो बहुत करती है पर अपनी ही घोषणाओं पर यू टर्न ले लेती है। हमारे कार्यकाल और इनके कार्यकाल का फर्क जनता खुद महसूस कर सकती है। अगर इस सरकार ने पिछले 10 साल में कोई विकास कार्य किया है तो वो एक काम गिनवा दें। हिसार में लाल लखपत राय के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, और सिरसा में चौधरी बिलाल के नाम से छोटी सी यूनिवर्सिटी बनाई थी, उसको राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी का उन्होंने काम किया। कोई भी आप देखो, एजुकेशन का हब बनाने के हमने प्रयास किया। इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन का वक्त ही कहा था कि कल्पना मेडिकल कॉलेज जो है रोहतक करनाल, उसको हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। फुल स्केल पे वो नहीं आई, अभी उसका भी पूरी बिल्डिंग नहीं हुई। आप कहीं भी देखो इनका, कोई भी एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ने कहा था शुरू में बनाएंगे, वो आज बताते हैं कोई नहीं वो हुआ है। 10 साल के बाद हमने 9.5 साल में इंटर बनाया, इनकी 9.5 साल में एक कोई आपने बताया परफॉर्मेंस कोई हमने ये अमान्य कर दी। तो मतलब कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कोई बिजली के लिए या कोई रेलवे लाइन एक इंच बढ़ाई हो, नई सेक्शन कराई हो, एक नया मेट्रो का वो लगाया हो, और एक भी हम लेके आए मेट्रो दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से बल्लभगढ़, दिल्ली से भादरगढ़, ये एक इंच मेट्रो बढ़ाई, कोई तो एक काम बताए। और आप सबका मेरे ओपन क्वेश्चन, आप तो मेरे से सवाल पूछोगे ही, लेकिन मैं भी आपसे सवाल पूछूंगा, आपके दिमाग में कोई एक काम की अचीवमेंट का तो आप जरूर बताएं मेरे को भाई, ताकि मैं अप्रिशिएट कर सकूं। तो 9.5 साल में ये इंस्टीट्यूशन बनाया उन्होंने, ये क्या नेशनल हाईवे की बात करते हैं, जितने नेशनल हाईवे हरियाणा में हैं वो सारे हमारे समय के सेंक्शन हैं। यहाँ तो मतलब फर्स्ट गवर्नमेंट है ये देश में, मैं नहीं समझता हूँ कोई गवर्नमेंट होगी जिसका नेशनल हाईवे सेंक्शन हुआ हो, हमारे समय सेंक्शन हुआ हो। तो ये आता है मेरठ से राजस्थान तक जाता है सांपला के ऊपर से, ये मेरे पास दोनों लेटर है, हमारे टाइम में सेंक्शन हो गया। हरियाणा गवर्नमेंट ने ये लेटर लिखा कि हमारे को नेशनल हाईवे नहीं चाहिए, वो फिर ऊपर से गडकरी जी ने लिखा अच्छा नहीं चाहिए तो 1,000 करोड़ दे दो हमारे को, जब वो जाके बना। ये पहली सरकार है पूरे देश में जिसने नहर की खुदी खुदाई हटवा दी हो, दादूपुर नलवी नहर जो आज इतनी समस्या, जो इलाका आज सोना पैदा कर रहा है, वो आज से 20 साल के बाद इतना वाटर टेबल इतना चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, वहां अनाज ही पैदा नहीं होगा। उसके लिए दादूपुर नलवी नहर खोदने का कहता ताकि वाटर टेबल ऊपर आ सके, यमुना का जो सरप्लस पानी वहां हमारे इस्तेमाल आ सके, वो हटवा दी। कोई भी मतलब लोगों की आवाज हो तो जिसका जो ड्यू है वो जरूर आपको देना चाहिए, जो ड्यू है बताओ। आपसे पूछ लूंगा मैं भी कोई इनकी अचीवमेंट बता दें, तो ये है मैं आपसे आपके सवाल जो होंगे उनको भी सारे जवाब दे रहा हूँ। लेकिन आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बाकी तो बातें तो और बहुत है, कितनी लंबी बात कर लो, कितने सब्जेक्ट उठा लो आप, लेकिन मोटी मोटी ये बातें हैं कि ये नॉन परफॉर्मेंस गवर्नमेंट, फेलियर गवर्नमेंट, करप्ट गवर्नमेंट ये हरियाणा में। अब 4.5 साल तक ये गठबंधन चलता रहा, अब कह रहे उसने ये कर दिया उसने ये कर दिया, 4.5 साल क्या करते रहे। ये गठबंधन को पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं था, ये वेस्टेड इंटरेस्ट में था अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, इसलिए स्वार्थ सिद्ध किया चले। थैंक यू डॉक्टर जी। अब क्वेश्चन आंसर सेशन फ्रॉम द फ्रंट। पहला क्वेश्चन नवीन अग्रवाल जी, नवीन अग्रवाल 25 बजे के अपना जिन्होंने 25 मिनट भेज देना।